आया अच्छा था ना। ठीक है भाई, तो फिर आज जो है शुरू कंटिन्यू करते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है भाई, आज का जो नया टॉपिक है वह है कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? कॉमन रूट। कॉमन क्या होगा? कॉमन। क्या है ये कॉमन रूट? आज पूरी स्क्रीन आ गई ना, तो आज ज़्यादा अब दिक्कत नहीं आई है। लंबा सवाल ये कितना कॉमन रूट। कॉमन रूट किसका निकलता है? जैसे मान लिया एक इक्वेशन है ये ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एक और इक्वेशन है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इनके कॉमन रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इनके दो इक्वेशन है, दोनों के कॉमन रूट निकालने। किससे निकालते हैं? इसका तरीका क्या है भाई? मान लिया इसका कॉमन रूट एल्फ है। कितना है इसका? अगर इनके कॉमन रूट एल्फ है तो एल्फ है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, रिमाइंडर जो आएगा बताया था मैंने। लेट कॉमन रूट इज एल्फ। कॉमन रूट कितना है? एल्फ है तो क्या जाएगा बोलो एफ। जो उसका रूट होता है एक्स की जगह वो रखते हैं सीधी बात है, तो क्या बोल लो बोलते रहो ए वन एल्फा का स्क्वायर बी वन एल्फा प्लस इक्वल टू बी। एक क्या जाएगा? ए टू एल्फा स्क्वायर बी टू एल्फा प्लस सी टू इक्वल टू बी। यहाँ पे बात आ गई, ये पहली क्वेश्चन आ गई, ये दूसरी। ठीक है, अब इनको सोल्व करनी है। इन्हीं अगर एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, हिंदी में कहते हैं बजगुणन विधि, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मेथड। क्या होता है क्रॉस मेथड? जो इसका कोफिशियंट है एल्फा स्क्वायर, तो इसको तो यहाँ लिख लें। फिर क्या है एल्फा, फिर क्या है वन। दिक्कत तो नहीं है, इतना तो लिख सके हैं, इसके नीचे ये भी लिख सके हैं भाइयों। अभी दिक्कत नहीं आई, इसके नीचे यू भी लिख सकूँ, अभी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक के तो कोई नई बात नहीं। देखो अब जब मैं अल्फा स्क्वायर लूँगा, ये इनके जो कोफिशियंट है, क्या अल्फा कोफिशियंट क्या है? बी वन की इसके से बी वन मल्टीप्लाई बी वन की क्या है कॉन्स्टेंट में बी वन क्या है बी वन बी वन जिसे मैट्रिक्स में करते हैं बी वन सी टू फिर इसके पीछे माइनस लगा बी वन इधर से क्या जाएगा फिर माइनस सी वन बी टू या माइनस बी टू सी वन माइनस ठीक खत्म। ये क्या है नहीं, अब अल्फा से क्या जाएगा बोलो ना, थोड़ी सी गलती है, आगे बढ़ना पीछे नहीं हटना। जब मैंने अल्फा करूंगा तो यहाँ नहीं हटना, ये आगे बढ़ना, उधर ही शुरू होना। क्या बोलेगा सी वन पहले मल्टीप्लाई कर दो सी वन ए टू माइनस मतलब आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान क्या बोले सी वन ए टू माइनस ए वन। हाँ यार मल्टीप्लाई में तो कुछ ही है, चाहे सी टू कर दो चाहे ए टू, मल्टीप्लाई तो एक ही। फिर क्या है इसके बाद? ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में क्या जाएगा इसके बाद? चल गया सुई कहाँ आएगी? एकदम यहाँ आएगी ए वन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू या ए टू बी वन एक ही बात है। अच्छा रहेगा ए टू बी वन, यहाँ बात अच्छा कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक की आई नई बात है, पहले भी कर रखा बुक तो भूल गए, अब तो याद आ गया। अब इन दोनों को ले लूँगा मैं पहले इसे, और क्या जाएगा बोलो एल्फा स्क्वायर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो एल्फा स्क्वायर बराबर आएगा, चूका तू इधर लिख सकूँ तो एल्फा स्क्वायर क्या क्या फोन हो जाएगा
बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन बी टू माइनस ए टू। अरे बात की दिक्कत नहीं आ देखिए बोलो भाई। अब क्या करता हूँ मैं इसको 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 ले लूँ क्या जाएगा बोल दो। अल्फा अपॉन सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अल्फा की धरिए एक कर दूंगा क्या जाएगा बोलो। अल्फा इक्वल टू सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू। यहाँ पे बात सुनवाओगी बोलो मुझे ये अल्फा स्क्वायर है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ। अल्फा स्क्वायर उसी बनाने के लिए दिक्कत तो नहीं कुछ। अल्फा स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बोलो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। बोलो भाई जी ये गणेश इसका स्क्वायर ये तो गणेश ठीक। ये अगर ये भी अल्फा स्क्वायर है ये भी अल्फा स्क्वायर तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल होने चाहिए। जब इनकी एलएचएफ इक्वल है तो आरएचएफ भी इक्वल होनी चाहिए। यही तो करते हो तुम यही कहते अल्फा स्क्वायर का मान यहाँ रख दो चाहे एक ही बात है चाहे यूँ कह दो समझो नहीं आई। एक चीज़ तो ये है एक चीज़ ये कहेगी इक्वल है ये कहेगी इक्वल है बोलो। तो दोनों जब ये अल्फा स्क्वायर तो ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे वैल्यू भी इनकी तो यो वैल्यू और ये वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अगर इन्हें समझ में आता है इनको भाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बनी हो रही है ये तो समझ में आ जा। बोलो क्या आ जाएगा बी वन बहुत जगह भी छूटे इसी पड़ेगी भाई हमें छोटा ना करेंगे जिसको गरीब का हो जाए क्या बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू क्या जाएगा बोलो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर और यू स्क्वायर। दिक्कत नहीं भाई देखो इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर चला जाएगा बस इसकी इस एक से एक चला जाएगा ये खाली ये बचेगा है नहीं बात नहीं जो है ना ऐसा जैसे ये वन पोन एक्स और ये पोन एक्स स्क्वायर हो तो इससे कट जाएगा एक्स ये तो खर्चेगा वन वन इक्वल टू वन पोन एक्स ऐसा नहीं बचता तो क्या बच जाएगा बोल रहे हो इसके तो जाएगा ये नीचे पीछे खाली है और इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं आ जाएगी ये तो वन बच जाएगा तो इसका स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यो मल्टीप्लाई यो इक्वल टू इसका स्क्वायर है क्या जाएगा आंसर बोल लो उसका आंसर जाएगा ये क्या हो जाएगा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर बराबर कहेंगे इक्वल हो जाएगा बोल लो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ए वन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन नहीं हाँ ए वन ए वन बी टू क्या आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू ये है वो कॉमन क्यू इसे डायरेक्टली रिजल्ट को याद कर लेना कहाँ में आता है ये आई आई टी जे सीधा था डायरेक्ट सवाल ये क्वेश्चन दे देगा दोनों जुगे तू क्या कॉमन फैक्टर होगा इस तरह के चार ऑप्शन देगा ये देगा यानी कौन सा ऑप्शन होगा वो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर इक्वल टू सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा वही है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन मल्टीप्लाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का मल्टीप्लाई आई बात नहीं लिख सको ठीक कर सको भाई से या कर नहीं सकते उतारने चाहोगे ये तो था यहाँ इसको ये था नहीं ये वो क्या था नहीं है ये हाँ नहीं रखा हुआ नहीं है ये एलिफेस क्या ये रखा नहीं इसका ये वैल्यू ये तो रखी चुकी तू मैंने ये तो दोनों है नहीं है एक तो एलिफेस क्या ये रहा और एक एलिफेस क्या ये रहा
अरे बात नहीं बोलो है नहीं, ये ये भी अल्फा स्क्वायर है, ये भी अल्फा स्क्वायर, दोनों बराबर नहीं लगेगा। यानी ये बराबर ये नहीं, इसके बराबर ये रखी वैल्यू, इसके स्क्वायर से ये चले जाएगा, ये अरे मल्टीप्लाई ये इक्वल टू ये रखा है, अभी नहीं बात नहीं बोलो। ये तो स्क्वायर रखा ही रखा, पहले ही कर लिया था मैंने, नहीं कराई। ये आ गया इसके बाद है, इसके बाद क्या लिखना है ये लिखना, ठीक है लिख लोगे तो ध्यान रहेगा कहाँ कहाँ चीज लिखी गई। देखो भाई क्या है सवाल, देखो एन इक्वेशन जो कल कल ज्यादा मैंने जाते हैं, यही तो सवाल है। इन इफ एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैविंग वन रूट, हैविंग एक रूट रख रहा है वो, विच इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसे बता रहा है मैंने, उल्टा यानी उसका उल्टा है, रूट का उल्टा टू इक्वेशन वो रूट इसका, इसका उल्टा है, रूट का उल्टा इसका ही रूट है वो है, ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी डैश देन फाइंड द कंडीशन, वो जो है कंडीशन बतानी क्या होगा, यानी जो इसका रूट है, अगर इसका रूट कितना है अल्फा है तो इसका रूट कितना होगा 1/अल्फा, ये तो कह रहा है ठीक है, तो ये कह रहा है अगर इसका रूट, इस रूट का अल्फा है, अगर इसका रूट अल्फा है तो इसका रूट 1/अल्फा होगा, तो उसकी कंडीशन निकालनी कि क्या कंडीशन होगी, इस तरह की कंडीशन होगी कुछ, क्या कंडीशन हो सके भाई, ये बिटो तो भाई इतना सा तो लिखेंगे, लेट क्या लिखेंगे, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैविंग वन हैविंग अल्फा रूट, इसका रूट कितना है? अगर अल्फा है तो क्या आ जाएगा इसका रूट? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक पहली इक्वेशन मान ली आ गई, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो इसका रूट है वो कितना है? इसका रेसिप्रोकल है, इट्स रेसिप्रोकल रूट, इट्स रेसिप्रोकल रूट वन अपॉन अल्फा, विल भी वन अपॉन अल्फा है तो वन अपॉन अल्फा होगा किसका? इसका होगा। देन क्या, तब क्या आ जाएगा भाई? ए डैश वन अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस बी डैश अपॉन अल्फा, ए डैश अपॉन अल्फा का स्क्वायर सीधा लिखा नहीं, प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। ना तो बात सुना, अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा सबका? एलसीएम ले लूँ, क्या आ जाएगा? ए डैश प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। नहीं बात स्क्वायर नीचे बननी है भाई, तो बोलो भाई अल्फा इधर डिनोमीटर है, डिनोमीटर को क्या करते हैं? डिवाइड, जो आता है उस नंबर की न्यूमरेटर से हम डिवाइड कर देते हैं। अब भी मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ, छोटा सा फ्रैक्शन का आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा अल्फा स्क्वायर की जीरो मल्टीप्लाई जीरो, इसके नीचे मान लिया वन है तो जुड़ दू जाएगा, क्या जाएगा? सी डैश अल्फा का स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस, बोलो ठीक है, अब तो दिक्कत ही नहीं है। अभी क्वेश्चन कौन सी हो गई? अब ये दूसरी हो गई, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, कौन सी क्वेश्चन है भाई? दो इसको रब कर दूं, पहली क्वेश्चन कौन सी है भाई बोलो? ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरी कौन सी है? सी डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस ए डैश इक्वल टू जीरो। अब इनका कॉमन रूट है तो अब तुमने क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा, किस तरह करके दिखाइए तरह क्या आ जाएगा? यहाँ बिल्कुल यही करो, फिर करो भाई, थोड़ा सा कर लूँगा है जी, वो तो मैं कहाँ में रखी जा रहे, उसमें लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा सी वन कोस्टेंट है, ए टू जो दूसरी क्वेश्चन है कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, वो ए टू क्या है एक्स, हाँ एक्स क्या किसका? सेकेंड इक्वेशन का। सी टू क्या है? कोफिशेंट कॉन्स्टेंट टर्म है इसकी, सेकंड टर्म की। चाहे चल डायरेक्ट लिख ले, चाहे निकाल निकाल के देख दिखा दे एक बार, फिर डायरेक्ट रखा कर सबसे डायरेक्ट रखो, चल डायरेक्ट बता के आ गया करो, डायरेक्ट ही रखो, चलो क्या आगे चलो बताओ, अच्छा डायरेक्ट ही रखी बताओ। चल डायरेक्ट रख लिया, ये घर में ऐसा कर लियो, घर जाके तो निकाल लियो, तो यहाँ डायरेक्ट रख लो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। बताओ क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट है जो तो मैंने छोड़ रखा है, बताओ क्या आ जाएगा?
काट दूंगे काट लिया। देखो भाई मिटो दो भाई से। दम पे हाँ भाई क्वेश्चन मिटो दो। एक और क्वेश्चन है, अब तो सिनेमा आ गया भाई, कॉमन रूट कर सीधा डायरेक्ट कर लेंगे। मतलब हम कितने भाई आए, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह इसमें यह है, ये होता है कॉन्सेप्ट के सवाल, बस के कॉन्सेप्ट रेट लो इम्तहान में। ये क्या कर रहे हैं? हाँ रिजल्ट लर्न करोगे, जब डायरेक्ट आंसर लिख लोगे अभी वहाँ बहुत देर लग जाएगी। इधर रिजल्ट लिखने से सीधी नहीं बात। लिखो भाई x की पावर फोर माइनस पी माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री पी माइनस फाइव एक्स का स्क्वायर। ठीक, प्लस टू पी माइनस एक्स प्लस टू पी माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स। क्या लिखा? एक्स पावर फोर माइनस पी वाई एक्स पावर फोर थ्री पी माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू पी माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स हैविंग वन फैक्टर हैविंग x प्लस वन इज अ 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 फैक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये कह रही हो तुमने क्या भाई? समझ आ गया क्या है सवाल? देखो ये कोई पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है, तो समझ आ गया यहां तक के। इसका यूं कह रहा है इसका फैक्टर x प्लस वन है, इसका फैक्टर अगर x प्लस वन से इसे डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्या आएगा रिमाइंडर? देखो कोई बात नहीं, अगर सिक्स है, सिक्स का फैक्टर क्या है? टू है, तो क्या आएगा? तो टू और सिक्स में क्या रिलेशन है? टू से सिक्स को डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है? जीरो। जो चीज का फैक्टर होता है रिमाइंडर जीरो आ जाता है, सीधी सीधी बात है भाई। अगर इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका क्या करूंगा? इससे डिवाइड करूंगा, इसका डिवाइड एक तो वो तरीका बच्चों की तरह इतना बड़ा फैक्टर लिखूं फिर एक्स प्लस वन से यूं करूं, मैं जिसको करते नहीं बच्चों की तरह, नहीं वो तो बहुत पुराना मेथड है। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रख दूं? एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या रख दूं? माइनस वन। यू रखिए जो तो पहले कह रहे होंगे तुमने कभी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? जब इसका एक्स इक्वल टू माइनस वन फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू माइनस वन की रिमाइंडर जीरो आ गया नहीं? ये तो भी यानी इसका फैक्टर है, नहीं भी तो ये करते नहीं आ रही थी। एक्स इक्वल टू क्या रख दूँ?
तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन पुट x इक्वल टू माइनस वन हैविंग रिमाइंडर इज जीरो, तो क्या आएगा बोल लो, वन की माइनस वन की पावर फोर माइनस पी माइनस थ्री माइनस वन की पावर क्यूब माइनस थ्री माइनस पी माइनस फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू पी माइनस सेवन इंटू माइनस वन, क्या आ गया प्लस के सिक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। भाई देखो एक की पावर कुछ भी कर दो क्या आता है हमेशा, वन की पावर क्या कर दो, हाँ अगर वन की पावर माइनस की पावर कैसी होगी, इवन, तो कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर माइनस की पावर इवन होगी तो क्या आएगा भाई, इवन माइनस वन की पावर क्या होगी ओड होगी, तो क्या आएगा माइनस वन आएगा है। इसे करिए लिखो आप, करिए तो कर लूंगी क्या आ गया भाई, क्या आ गया हो रहा है माइनस फोर आया, देखना सितारा माइनस किया बिल्कुल शाबाश तुम सभी बढ़िया रहे, फोर ही आएगा ये में क्या आया, फोर आया माइनस फोर आया, फोर ही आया, फोर ही आया जान के बोल रहा हूँ मैं, देखूंगा आगे फोर हो गया गलती क्या था, इजी था क्वेश्चन भाई, मुश्किल तो उनका कुछ समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, आगे बढ़े बोलो भाई आगे बढ़े। हाँ फिर इक्वल टू फोर वो मैंने मिटो दिया, तो मैं कर नहीं सकता भाई, हो गया मैं इतना तो या करके दिखाऊं, करके दिखाऊंगा है वन अब तो मैंने कर दिया मिटो दिया भाई, क्या लाइन थी दिखा रहा है माइनस वन की पावर फोर माइनस, हाँ माइनस वन की पावर फोर बोल लो, माइनस थ्री माइनस थ्री है माइनस पी माइनस थ्री सर माइनस 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 आगे बीच में आगे माइनस थ्री पी माइनस फाइव आगे इंटू माइनस वन की ओर स्क्वायर आगे प्लस टू पी माइनस वन माइनस वन आगे। देख भाई माइनस वन की पावर फोर है तो क्या आ जाएगा वन, वन तो जुगो तू यहाँ से क्या आएगी माइनस वन माइनस माइनस प्लस पी माइनस थ्री, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन, वन की मिनट प्लस सेम नंबर ये जुगो तू थ्री पी माइनस माइनस थ्री पी प्लस फाइव आ जाएगा, जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या आ जाएगा माइनस थ्री पी प्लस फाइव बोलो
इस तरह यहाँ से क्या जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस के जब अंदर साइन आया तो क्या खुल जाएगा क्या माइनस टू पाई प्लस सेवन बोल लो प्लस के सिक्स इक्वल टू जीरो बोलो पी कितना जाएगा ये एक पी माइनस थ्री पी माइनस टू पी कितना आ गया माइनस फाइव पी और प्लस पी माइनस के फोर पी वन जी क्या करें ये सारा जोड़ के सोलह आएगा देखो सात और छः तेरह और पाँच तेरह पाँच अट्ठारह एक उन्नीस माइनस तीन ये ठीक बोल लिया तुमने गलत नहीं बोल लिया नहीं कह रहे थे मैं ठीक बोल लिया नहीं ठीक नहीं है माइनस फोर पी इक्वल टू माइनस सिक्सटीन इस माइनस के माइनस फोर पी इक्वल टू सिक्सटीन पी इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन फोर हो सकता था नहीं मिटो दे अब तो लिखो अब कुछ मैं जो है डायरेक्ट वो बताता हूँ रिजल्ट क्या होता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ बता दूं तुम मिटो दो भाई ये तो करवाया था कि तुम्हारे पास आया था ठीक है भाई देखो भाई ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी सी क्या है बिलोंग्स टू आर है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर ये लिखी थे पेपरों में कह रहे हैं कि तो बेकार लिखी कुछ नहीं पर मैं तो इससे लेने देना हुआ है ये क्या है ठीक है अगर मान लिया इसके मूल क्या क्या है ये कुछ कंडीशन है क्या है इसकी एक मूल लिखो एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो उल्टा वो लिखो यदि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल हो इफ वन रूट इफ द इफ पहले लिखना ना हाँ ये इक्वेशन है तो पता है ही लिखो हाँ इस समीकरण के लिए यानी कि वह इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर यदि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो हाँ इफ वन रूट इट इट ठीक नहीं है तो क्या जाएगा ए इक्वल टू सी क्या आ गई वो एक मूल दूसरे मूल का उल्टा हो यानी या ही कह दो वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर क्या जाएगा ए इक्वल टू सी होगा यानी ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशेंट और क्या दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक हमेशा जब भी होंगे देख के बता दूंगे जी कैसे होंगे जैसे ये हैं जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ये कितना है और इसका इसका कोफिशेंट कितना है देखो यदि इफ वन रूट इज जीरो यदि एक मूल शून्य हो क्या लिखेंगे इफ वन रूट इज जीरो देन सी इक्वल टू जीरो क्या लिखा भाई हाँ दोनों में एक रूट जीरो हो तो कब हो सकता कब होगा यो क्या जीरो होगा देखो अगर इसमें करके देखो मैं क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो और जीरो में प्लस करके जुगो तो सेम नंबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स इक्वल टू जीरो इन दोनों में क्या कॉमन ले लूँ एक्स कॉमन ले लूँ क्या जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल कब होगा इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम जीरो क्या होगा इफ एट लीस्ट कम से कम दोनों में क्या होना चाहिए या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा इफ एक्स इक्वल टू जीरो ये तो कह रहा है यहाँ नहीं कहेगा रूट एक्स इक्वल टू जीरो समझ आ गया रिटर्न वाली बात सुन हुई समझ आ गया अगर तीसरा लिखो इफ टू रूट्स आर इक्वल
यदि दो मूल क्या हो बराबर हो एंड इन अपोजिट इन साइन एंड अपोजिट इन साइन देन क्या होगा भाई बी जीरो। अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें ए दो की क्या है उसमें क्या आना चाहिए क्या बताया मैंने इक्वल भी हो साथ में इक्वल लिखा है मेरे भाई ये दोनों रूट बराबर हों और कैसे हों जैसे मैंने कल भी बताया था अगर मान लिया एक अल्फा है दूसरा कितना होगा माइनस अल्फा वैसे तो बराबर है लेकिन साइन ही तो चेंज है तो क्या होगा उसके लिए बी इज इक्वल टू करके दिखाऊं किस तरह एग्जाम्पल इसका करके दिखाऊं देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो देखो बी इसमें है जीरो बी जीरो नहीं है वो वाला बी नहीं लिखा हुआ बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो नहीं है एक्स स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से वन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन। अब तुम कहो जी इसे ही नहीं इसका क्यों लिखा हम तो इसी का देखना था भाई क्वेश्चन क्यों लिखी हम तो इसका दिखा देते हैं इसका दिखाऊं ये क्या आ जाएगा इसका बोल लो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस वन का मतलब क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा देखो आ नहीं गया एक प्लस आयोटा का एक इक्वल है लेकिन साइन तो उल्टे तो क्या बताया मैंने इफ एन इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट बट अपोजिट साइन देन बी इज इक्वल टू जीरो यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स विल बी जीरो आगे सुनो अब चौथा लिखो इफ बोथ टू रूट आर जीरो इफ बोथ टू रूट यानी दोनों मूल क्या हो शून्य हो इफ बोथ टू रूट आर जीरो देन इफ बोथ टू रूट आर जीरो देन बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो दोनों बी और सी क्या होने चाहिए जीरो होंगे दोनों रूट क्या होंगे देखिए यहाँ जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो आ गया बी इक्वल टू यानी बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो देखो भाई हो गया समझ आएगी अगर ला कंडीशन लिखो रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट नहीं आए ये बेकार रिजल्ट है इफ बोथ रूट आर पॉजिटिव इफ क्या लिखा भाई बोथ रूट आर मतलब क्या मतलब हो गया दोनों रूट क्या है पॉजिटिव है ए सी इफ इफ ए सी आर पॉजिटिव ए सी आर ए एंड सी है ए एंड सी हैव सेम साइन कर लो क्या कर लो सेम साइन अगर ए और सी ए एंड सी क्या मतलब हो गया ए और सी अगर सेम समान चिन्ह के हैं ए ए एंड सी हैव सेम साइन देन बी जी साइन विल बी नेगेटिव क्या कहा ये अगर कोई इक्वेशन है उसके दोनों मूल कैसे हैं पॉजिटिव हैं यानी प्लस के हैं कब होंगे ए और सी सेम साइन के होंगे और क्या होगा बी कैसा होगा नेगेटिव होगा अगर ए सी से
ठीक है, अगला करो छठा पॉइंट। यदि एक मूल इफ वन रूट इज एन टाइम्स ऑफ एन, यानी एक मूल दूसरे मूल का एन गुना है, एन टाइम्स टी आई एम एस एन टाइम्स टाइम क्या गुना को दो गुना टाइम्स कहते हैं टी एम है, यानी टू टाइम्स दो मल्टीप्लाई है, क्या गया? यदि इफ वन रूट इज एन टाइम्स एन टाइम्स एन टाइम्स ऑफ एन, यानी अगर एक मूल एल्फ है तो दूसरा मूल कितना है एन एल्फा, एन टाइम्स क्या एन गुना, अगर क्या होगा एक मूल दूसरे मूल का क्या है एन टाइम हो तो क्या जाएगा एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्या आएगा एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी एन प्लस वन का होल स्क्वायर ए सी करते हैं, ये तब होगा। एन बी स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन का स्क्वायर ए सी, ये भी सीधा रिजल्ट आ जाता है। मान लिया क्या समझे, अगर मान लिया एक रूट तीन है तो दूसरा रूट कितना हो सकता है, वो नाइन ट्वेल्व भी हो सकता है, चार गुना छः गुना तीन भी हो सकता है, टेन गुना थर्टी भी हो सकता है, एन ये कितने गुना है चार, ये कितने गुना है छः, ये कितने गुना है नहीं करा कि एक मूल दूसरे मूल का एन टाइम्स है, एन का मतलब कोई भी कितने भी गुना हो सके, तो कौन सी कंडीशन होगी वो एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन का स्क्वायर ए सी, रिजल्ट याद ले लेना सीधा में अच्छे है रिजल्ट। इफ यदि समीकरण का एक मूल एक हो, वन इफ इक्वेशन हैव रूट वन, मतलब एक मूल हो यो रूट कितना है उसका, मतलब मूल कितना हो उसका एक हो, कितना हो अगर किसी उस समी किस समीकरण का किसके लिए बात हो रही हो, किस समीकरण की बात हो रही, इस समीकरण का एक मूल कितना हो वन, इफ लिखें इफ दिस इक्वेशन हैविंग रूट इज वन देन सेकेंड रूट विल बी सी अपॉन ए, सेकेंड रूट विल बी, अगर मान ले एक रूट वन है तो सेकेंड रूट कितना होगा सी अपॉन वन होगा, सी अपॉन ए सेकेंड रूट विल भी क्या होगा सी अपॉन ए, कब कंडीशन होगी जो जब होगी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन तीनों का कोएफिशिएंट क्या होगा जीरो, क्या कह रहे हैं क्या बोल रहा आप, इफ एन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक भी कौन सी ये वाली हैविंग रूट वन, इनफिंग अगर इसका एक मूल एक है तो दूसरा मूल कितना होगा कब तीनों का सम, तीनों का सम किसका कोफिशियंट ऑफ ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स अरे कॉन्स्टेंट टर्म कितना होगा जीरो होगा, इस तरह की कंडीशन होगी। और वो मैंने एक कंडीशन तुम्हें लिखवाई थी, मैंने एक मूल दूसरे मूल का वही क्रम है, अभी सवाल करवाया था मैंने तुम्हें, क्या लिखवाया था बोलो, जैसे
मान लिया मैंने लिखाई थी, एक ही कंडीशन ही हो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जो है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक मूल दूसरे मूल का उच्च क्रम हो, लिखवाई थी एक ही कंडीशन है, लिख लो फिर आगे नीचे याद करने के लिए, ये दोनों इक्वेशन लिख लो और फिर एक मूल फिर का रिजल्ट लिख लो घर बैठ के, लिखेंगे इफ इक्वेशन हैव एक मूल दूसरे मूल का क्या है वही क्रम है, मान लिया इसका मूल कितना है अल्फा, तो इसका मूल कितना होगा अभी पता नहीं था बिल्कुल, एक रिजल्ट है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, ये इफ इक्वेशन हैव रूट टू अदर, इफ इक्वेशन हैव रूट रेसिप्रोकल टू अनदर, अदर अदर लिख लो समझ नहीं तो है तुम्हें समझाना थोड़े किसी को है, ये कहते ईच ये कहते इफ रूट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है उल्टे हैं, इसका रिजल्ट देख लूंगे, ये इसकी क्या आ गई भाई, ये इसकी कंडीशन आ गई, इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे, एन अब क्वेश्चन हो गया भाई पूरा ठीक नहीं है, आगे बढ़े भाई एक थोड़ा सवाल है, मेरे को ज़्यादा सी राम कथा थी हो गई है, यानी फिर अपना चेंज गियर था बदलेंगे क्या और का है बैक गियर लगा फिर भी चलेंगे क्वेश्चन करेंगे, ये रिजल्ट डाल के ये रिजल्ट याद कर लेना भाई, लिखेंगे क्वेश्चन है एन स्टूडेंट ए एन ई एन स्टूडेंट शो दैट एन स्टूडेंट शो दैट क्या लिखा एन स्टूडेंट शो एफ एच ओ डब्ल्यू शो मैंने देखना है, एक स्टूडेंट ने देखा टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लिया, क्या लिखा ही राइट्स और यूं लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लिखनी ही राइट्स 13 इंस्टेड ऑफ 17 उसने 13 के बजाय 17 लिख दिया, उसने क्या लिख दिया क्या लिख दिया 17 लिख दिया, विच हैव इक्वेशन रूट माइनस टू एंड माइनस 15 फाइंड द इक्वेशन अब देखो पहले सवाल समझ लो एक बार समझाऊं, देखो एक बच्चा एक युग क्या करेगा ये इक्वेशन को सोल्व कर रहा था, इसने क्या देखा कि यार 13 की जगह मेरे पे 17 लिखा गया, 13 की जगह क्या लिखा गया 17, और जब वो सोल्व करा उसने उस इक्वेशन को तो उसके रूट कितना आ गए
माइनस टू और माइनस फाइव आ गए सोल्व, सोल्व तो हो गई लेकिन ये रूट भी आ गए। आ जाएंगे भाई, जिस तो कल मैंने इक्वेशन सोल्व करा था कुछ का कुछ लिखा गया था मेरे ऐसे ही, सोल्व तो हो ही जा गई वो, यहाँ कर दिन रहा था यहाँ को तुमने याद दिलाया था मेरे, ये हो गया है। तुमने देखा कि इसके रूट क्या आ गए माइनस टू और माइनस, अभी कह रहा अगर ऐसा हो गया तो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन क्या थी पता लगाना, वो इक्वेशन क्या थी ये, हाँ हाँ वो इक्वेशन क्या थी, वो क्या है वो इक्वेशन निकाल लो भाई, हाँ मूल्यों का योग, लेट अगर ये रूट इक्वेशन है तो ये कैसी इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आ जाएंगे इसके रूट, टू रूट होंगे, मान लो टू रूट कौन कौन से है, अल्फा एंड बीटा, लिखेंगे लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, दो रूट अल्फा क्या कहें, करो करो करो, हाँ चलो करो, आसान बढ़िया सवाल है, मज़े लिखने बहुत ईजी लिए आसान भी है, मज़ेदार सवाल भी है, करो खुद ही भाई, अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात है, करो भाई। देखो एक बार दिखाऊं मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो भाई इधर देख लो, मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला, कोफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट, कोफिशियंट ऑफ है यानी गुणांक, माइनस भी आएगा नहीं, माइनस पर लड़ाई भी हो गई थी मेरी एक बार तुम्हारी है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स पी अपॉन वन इक्वल टू माइनस पी, ये तो आएगा भाई है बाबू जी, आता नहीं, और ये क्या आ जाएगा भाई अल्फा प्लस बीटा, एक रूट कितना है टू माइनस टू है, दूसरा रूट कितना है माइनस सत्रह आ गया, आएगा सुनो, लेकिन वो तो यूं कह रहा था कि इसका मतलब जो आया दिन स्टेट हो यानी यू नहीं, मूल्यों का योग था वो, मूल्यों का योग कितना था 17, लेकिन 17 ही था, अनर कितना चाहिए था यहाँ, मतलब ये तो यानी मूल्य का योग ही तो आगे समझ में आ गया, सवाल पढ़े गलती हुई तो योग ही उससे,
आना चाहिए, आना कितना चाहिए था भाई साहब, कितना पड़ गए? अब गुणनफल क्या हो जाएगा इसका? माइनस टू माइनस फिफ्टीन इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, क्यू कौन बना जाएगा ना, मूल्यों का गुणनफल क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट अपॉन, मैं तुम्हारी वाली बात करी, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो होता है बेटे, इनमें क्या आ जाएगा बोलो, क्यू अपॉन वन इक्वल टू क्यू इक्वल टू थर्टी, यानी कि समीकरण क्या हो गई, हैम इक्वेशन, हैम इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स की घात दो माइनस मूलों का योगफल, मूल्यों का योगफल क्या होगा, हाँ सत्रह नहीं करना, तेरह भाई साहब तेरह होगा, तेरह एक्स प्लस, ये कितना अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, कौन से आपका सवाल सीधा सीधा बढ़िया सवाल था या वैसे था, लेकिन पता नहीं छोटा कॉन्सेप्ट कितना था, क्या था, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस आई आई टी में आएगा भाई सवाल, जितने में आई के सवाल सारे आई आई टी में आए, ये सवाल अब तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं करवा डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने जो आई आई टी में नहीं आया हुआ, आसान आया था मुश्किल आया था, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहा, पहले सवाल समझना था बस कहना क्या चाह रहा है, बोलो बात नहीं भाई, कुछ भी नहीं है ये हटके बताऊं, वो अच्छी बात है, पंडित जी आगे बढ़ेंगे, फिर एक और कॉन्सेप्ट से लगाते हैं छोटा सा, क्या बेटे ये क्या आया, ये बेटे ये मूल्य दे रखेगा इसने, ये अल्फा कितना है और बीटा कितना है, इन दोनों का योग कितना जगह, ये तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह अल्फा की जगह बीटा की जगह रखा, हाँ माइनस पी की वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगी 17, यानी कि यूँ कह रहा है वही तो है, जो यूँ कह रहा 13 की बदला 17 पढ़ लिया उसने, आया तो योग 17 लेकिन आना कितना चाहिए था, ये कह रहा सवाल, मैं नहीं कह रहा सवाल, कह रहा ये 17 पढ़ के इक्वेशन, देखो सवाल, एक बच्चा था वो ये इक्वेशन सोल्व करना चाह रहा था, इक्वेशन सोल्व करते करते उसे क्या पढ़ लिया, उसने गलती हो गया जल्दी दिमाग में कि 13 की जगह 17 पढ़ लिया उसने, 13 की जगह क्या पढ़ लिया 17, और 17 का जो सोल्व करा उसने तो इसके रूट आ गए थे माइनस टू और माइनस, मतलब माइनस टू तो अल्फा आ गया था, माइनस फिफ्टीन बीटा दो रूट हो गए, तो इनका सम ऑफ रूट निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवनटीन आ गया, मतलब माइनस पी से माइनस पी चला जाएगा तो बाद की बात है, तो यानी कि 17 नहीं था, ये आना कितना चाहिए था, ये तो गलती थी, यानी सम ऑफ रूट दे रहा का नहीं हो, ये क्या था वो सम ऑफ रूट गलती से पढ़ा गया था उससे, सम रूट कितना आना चाहिए था, और समीकरण का फॉर्मूला ये होगा एक्स पावर टू माइनस सम ऑफ, ये तो होता है सम रूट लिख दिया, और यहाँ प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी इनकी रूट की 13, यहाँ 13 लिख दी, फॉर्मूला होता है एक्स पावर टू माइनस, ये फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, ये तो होता है भाई, अब भी यही बात नहीं बोलो जी, प्रोडक्ट आएंगे प्रोडक्ट बढ़िया है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लगाते हैं छोटा सा, जैसे एक इक्वेशन है
क्या इक्वेशन है भाई, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए बराबर जीरो। हैविंग बोथ रूट आर having both root are पहले क्या है real, दूसरा क्या है imaginary या complex, तीसरा क्या है real and imaginary, real and इमेजिनरी, चौथा क्या है नन ऑफ दी। ये ऑप्शन है जी, ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है, इसे भी तो आते हैं कान में। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या है डिपेंड करता है भाई, मतलब क्या बताया था किस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट पर। इसका क्या निकालेंगे, डी, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, नहीं फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो उसके मैं आदमी बनाऊंगा, पहले से क्या बनाऊंगा मैं आदमी, आदमी कैसे हो हमारे यहाँ आदमी जानवर तो है नहीं, यानी आदमी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, पहले तो इन दोनों को सोल्व करूंगा मल्टीप्लाई, फिर इसी मल्टीप्लाई इसी मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लूंगा, फिर एक्स को इकट्ठा और कॉन्स्टेंट टर्म को, तो फिर क्या होगा बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ माइनस फोर तो फोर है ही, ए क्या होगा और सी क्या होगा, इन दोनों का क्या आना चाहिए, यो सारा हैं क्या आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, क्या आएगा डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या जाएगी अगर डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो आ गए तो मूल कैसे होंगे रियल होंगे, अगर लेस देन जीरो हो गए तो कैसे होंगे, इससे पता लगेगा अगर डी इक्वल टू जीरो तो मूल कैसे होंगे इक्वल, बताए थे नहीं मैंने तो निकाले घर बैठ के भाई, निकल निकालोगे नहीं, देखो इससे सोल्व करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फिर इस तरीके कर लेगा, इसे घर बैठ कर लो, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया भाई क्या करना, कल दिखाओगे मुझे, बोलो भाई आप नहीं करते उठा रहे नीचे से, समझ में नहीं आ रहा आपको, बस कर दी घर बैठे कर लिए, बड़ी अच्छी बात है करने के लिए, एक और भाई क्वेश्चन लगाते हैं छोटा था वो, ये थोड़ा बड़ा था हो गया, क्या क्वेश्चन है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट, देखो क्या कहा मैंने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
if alpha beta are roots of the equation x square plus x plus 1 then find the equation equations whose roots are find if alpha beta are the root of the equation find the equation समीकरण बताओ हुज रूट आर जिसके मूल अल्फा की पावर 19 बी की पावर 7 हो क्या है समझी नहीं सवाल देखो भाई क्या है देखो सवाल समझने की कोशिश करते हैं यानी कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा किसी क्वेश्चन के रूट है इसके मुझे क्या निकालना है वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये होंगे जिसके देखो भाई या तो एक तरीका उसका यह है मुझे इनकी वैल्यू पता लग जा अल्फा और बीटा की तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीधी बात है अभी नहीं कर रहा हूँ तो कुछ इससे सॉल्व करते हैं अब मुझे ये पता सिर्फ कि इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो भाई साहब यही कुछ ना कुछ देंगे मुझे यही कुछ नहीं देगा अच्छा ये इक्वेशन है गिवन ठीक है जब ये इक्वेशन गिवन है तो इसको सोल्व कर लूँ भाई मैं सोल्व किस तरह करेगा तो मुझे वन के ऐसे फैक्टर है जिनका कम वन होते ही नहीं ये वो थाना था ना जिसको हम करा कहते हैं यूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भाई 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना हो 5 2 3 6 2 और 3 टीचर बता देगा 2 और 3 90 तक नहीं करेंगे रुक के देंगे लेकिन थोड़ा सा भी रुक के कम हो गए है नहीं तो कह रहा 6 माइनस 1 और 6 माइनस 1 कहाँ लेगा यहाँ बता कहाँ लेगा फिर लगा के बुद्धि पे गए करोगे ऐसे बता बच्चा 6 माइनस 1 को आगे फैक्टर है तो फिर टीचर तकड़े देते कमरों में लगा करते आते हैं मैं 6 माइनस 1 नहीं बैठते माइनस नहीं है 2 और 3 होंगे 2 और लेकिन यहाँ यार ना तो माइनस का ना प्लस का यहाँ कुछ चक्कर चलेगा नहीं एक के फैक्टर एक हो नहीं सकता जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ना वो कैसे सोल्व करते हैं हमारे पास तो है माइनस बी प्लस माइनस बोलते रहिए भाई बोलो रूट हाँ बी स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन बोलते रहो यार मेरा हौसला तो बढ़ता था तुम बोलते रहोगे नहीं आगे इन्हीं पीछे जाऊंगे माइनस 1 प्लस माइनस बोलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2 तो बोल लो क्या आ जाएगा अब तो बना कुछ आज नहीं था इसका आया कुछ थोड़ा बताया आज तो क्या आ गया भाई इसका क्या क्या आ गया बोल लो क्या आ गया माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा कर लूँ भाई से बोलो कर लूँ क्या क्या रूट आ गया इसके तो हो गया माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 इसका क्या आ गया माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन यहाँ से बात समझ आ गई इसकी वैल्यू कितनी थी ओमेगा शाबाश इसकी ओमेगा वैल्यू कितनी पड़ी थी ये भाई साहब की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है यानी कि अब मेरा सवाल क्या था मैंने हो गया एक समीकरण है इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं अभी हो गए नहीं भाई अल्फा तो ही हो गया बीटा ही हो गया और उसकी वैल्यू निकालनी है ओमेगा की पावर 19 और ओमेगा की पावर 7 ये नहीं वैल्यू निकालनी अच्छा अल्फा बराबर अगर मान ले अल्फा बराबर कितना है अल्फा बराबर ओमेगा है भाई वैल्यू कितनी निकालनी है अल्फा की पावर ओमेगा की पावर अब ओमेगा की पावर 1 किसकी वैल्यू ओमेगा वहाँ ओमेगा की कौन सी पावर की वैल्यू बनो ओमेगा की पावर 0 है आयोटा की पावर 4 हो ओमेगा की पावर 4
हाँ ओमेगा ही तो और देखो भाई ओमेगा की पावर जीरो ही हो तो किसी भी पावर जीरो की वैल्यू वन हो शाबाश भी ठीक बोल रहा। आयोटा की पावर फोर की वैल्यू वन हो एक ओमेगा की पावर की वैल्यू वन हो एक और की हाँ ठीक है यार कभी मेगा जी क्या सारे काम खत्म हो गए इतना तो पढ़ाया है ये भी ओमेगा की पावर थ्री की पावर सिक्स कर दूँ कितना जाएगा तीन छक अरे कितना आ गया वो इंटू ओमेगा कर दूँ भाई तीन छक अट्ठारह एक उन्नीस ही रखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन की पावर इंटू और वन की पावर सिक्स की वैल्यू कितनी होती है वन की पावर कुछ भी कर दो क्या आती है बेटे और वन की मल्टीप्लाई करके सेम नंबर हो बात अब क्या की वैल्यू निकालनी है मुझे बीटा की पावर यानी ओमेगा स्क्वायर की पावर सेवन कितनी आ जाएगी ओमेगा की पावर ये क्या आ जाएगी ओमेगा की पावर थ्री की पावर फोर की पावर ओमेगा स्क्वायर कर सकूं भाई देखिए ओमेगा क्यूब मत तोड़ लिया और तीन चौक और दो चौदह ये भी तो अभी चौदह बोल लो भाई तो बच्चों की तरह हरकत करी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है वन की पावर कितनी आ जाएगी फोर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इसके रूट कितने आ गए ये रूट कितने हैं इसके यानी ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर रखा अरे इस इक्वेशन के कौन से रूट से है इसके भी ओमेगा अरे पूछ रहा यानी कि एक समीकरण है जी कह रहा जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है और वही समीकरण बनाते वो समीकरण बता नहीं जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो तो कौन सी होगी वही तो पूछा वही समीकरण है भाई अरे वही रूट है नहीं तो बेटे निकाला बेटे यो क्या चीज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है पॉलीनोमियल डिग्री कितनी है टू है तो मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं इसके अंदर तो ये रूट ये सोल्व करते ही आ गए तो इसकी वैल्यू जब मैंने ओमेगा पढ़ रखी तो खुद ही नहीं ओमेगा है भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा के तीन बच्चे हैं कितने बच्चे हैं भाई चांस हैं बुरा ना मान करते हैं जिन्हें एक बहन और दो भाई हैं बहन तो आप हैं घर में कौन है किन ने बताया मैं भाई हैं जब तीन तुम्हारे बच्चे हैं तो भाई होंगे नहीं ऑटोमेटिक है जब इसके रूट हैं इसकी वैल्यू ओमेगा ओमेगा तो बताने की जरूरत है क्या क्या करें बोल लेगा थोड़ी इसमें सुन गए बात बढ़िया सवाल था भाई अच्छा है अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में भी आ रहा नहीं जी या कुछ और सुधार करूँगा तो बढ़िया सवाल है कॉन्सेप्ट के अच्छे सवाल जैसे आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट सवाल है भाई हैं पाँच मिनट एक सवाल हो छुट्टी उसके बाद जब वो छुट्टी करेंगे तो कर देंगे मुझे तो आप कहाँ जाएंगे जी जी सर मैं मतलब आज कल हमारी छुट्टी पड़ने वाली यहाँ की हाँ यहाँ की छुट्टी होने वाली हाँ तुम्हारी छुट्टी है दो तारीख तक होगी छुट्टी छब्बीस तो होगी छुट्टी है छब्बीस सत्ताईस तो छुट्टी है कम से कम बस कल शायद कल लास्ट डे ना हो छः दिन पाँच छः पाँच सात दिन हुए देखो कब छुट्टी है भाई बहुत दिक्कत होगी बस आज दिक्कत कर दो कल को देखती हूँ देखो भाई नहीं आना तो है आज तो कर लो भाई कह रहे हैं कि आज जो फकीर आदमी कहता है भाई आज दे देते नहीं ये कहने को आज दे देते देखो भाई जगह में तोड़ दिए तुम तो पहले लिखते रहो तुम्हारा तो सबसे पहले होगा ऑनलाइन में अच्छा नहीं क्या देता है आदत खराब रखी है अच्छा
बता रहा मैं, मेरे लिए बता रहा है, वो इनके लिए लिखी। देखो भाई ये कोई है, ये है log x माइनस वन बी एस फोर पढ़ा हुआ है इक्वल टू log x माइनस थ्री बी एस टू में नंबर ऑफ रूट होंगे, नंबर ऑफ ठीक कल बता दो भाई। देखो जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, देखो देवान हम तो आते रहेंगे साहब। इसमें बता रहा कितने रूट होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, रूट ही हल्ली करवा रहा है, कितने रूट होंगे इसमें। देखो भाई ये फॉर्मूला होता है याद बैठो, लोग बी अपॉन ए, मतलब सबका बी एस ई एस टेन रहता है लेकिन यहाँ ए है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोल लो, लोग बी अपॉन लोग ए। बताओ भाई, ये लोग बी अपॉन लोग ए कर लेते हैं, इसका फिर बी एस ई हो जाता है ऐसे कोई ठीक है। तो इस तरह यहाँ से क्या जाएगा बोल लो, लोग x माइनस वन अपॉन लोग फोर इक्वल टू क्या जाएगा, लोग x माइनस थ्री अपॉन लोग टू, यहाँ बात में आ गया बोलो, समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, लोग b बेस a ऊपर लोग b अपॉन लोग a, ये यू तय हो, लोग x माइनस वन बी एस फोर, तो लोग x माइनस वन अपॉन लोग फोर नहीं आ गया, आ गया। देखो लोग एक्स माइनस वन जी सकूँ, लोग फोर को क्या कर सकूँ, लोग टू की पावर टू, दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू लोग एक्स माइनस थ्री अपॉन लोग टू। एक फॉर्मूला क्या होता है, लोग एम की पावर एन हो तो क्या आ जाएगा, तो यो क्या आएगा बोल लो, लोग दमन दम कर लेंगे, लोग एक्स माइनस वन अपॉन टू लोग टू इज इक्वल टू लोग एक्स माइनस थ्री अपॉन लोग टू, इस लोग टू से ये लोग टू चलेगा भाई साहब, तो उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लोग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू लोग एक्स माइनस थ्री भाई साहब है भाई। देखो अगर लोग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लोग एम है, तो एन लोग एम क्या है कि लोग एम की पावर क्या जगह है वो, लॉग वन इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री का, ये भी लॉग के बराबर, ये भी लॉग के बराबर, तो अंदर के दो बराबर होंगे, इनकी वैल्यू होंगी नहीं, जैसे इस तरह करता हूँ मैं ये करूँगा, जब तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थर्टी, तो एक्स बराबर थर्टी करता था नहीं सीधा, जब इनके ये भी तो कैंसिल नहीं करते थे, कोएफिशिएंट तो इक्वल होंगे, कैंसिल नहीं करते थे, तो इस तरह लॉग एक्स है तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी, तो क्या जगह x माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्या आ गया भाई बोलो, हैं? अब इसको सोल्व कर लेंगे, अभी यार इसे इन्हें दोनों को सोल्व तो कर लेगा घर से, या मैं करके दिखाऊं, दो सवाल दिए मैं ना हल करने के, एक तो वाला और एक वाला, फिर इसकी वॉल्यूम निकाल के खाना, फिर बताऊँ कितने लोग होंगे, हाँ एक दो तीन मतलब ना पता नहीं क्या आ गए, तो सोल तो कर ली बगैर ऐसी चुप चुप कर मार दिया, हाँ तो दिखा क्या था, क्या था धराचार्य वाला फॉर्म लगे लगे बने, दिखा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा है नहीं, फिर देखना तो पड़ेगा, मतलब ये जो है आई आई टी में क्वेश्चन आया हुआ, कुछ तो खास बात होगी, थोड़ी सी बात फटेगा इतना सा पेज, हाँ थोड़ा ठीक अगर लगेगी समझ थोड़े वाले जी, ये घास देख लिया दो हो गए सीधा डाटा, ठीक है, इसे क्या आ गया एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री को होल स्क्वायर को आप इसे सोल्व कर लेना, मजा आया कुछ क्वेश्चन बात करते हुए,
आसान से है। चलो एक बार और लेक्चर होगा इसे डिगास कोऑर्डिनेट इक्वेशन के लास्ट लास्ट लेक्चर है ये। हाँ छोटे छोटे ये अब वो क्वेश्चन कराते हैं बड़े बड़े इस तरह ही, अब और क्वेश्चन लगाएंगे और देर बड़े हो जाएंगे। 40-40 क्वेश्चन पढ़े कोऑर्डिनेट इक्वेशन 40-40 पढ़े 40-40 वीडियो। ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक ठीक है।